Yes, hello, my dear student. I know it's too much late, but first of all, I say for tomorrow exam, all the best to all of you. Late हो गया, अब उसका reason क्या बताऊँ मैं आपको, excuse ही होगा वो. और मुझे शेयर करना था इस मॉडल पेपर का सोल्यूशन आप लोगों से, तो इसलिए मैं वो शेयर करता हूँ आपसे. प्लीज़ सॉरी फॉर दिस कि बहुत ज़्यादा लेट है ये वीडियो. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं रीड करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि आप जानते हैं, 4 MCQ आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में. सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट रिप्रेजेंट द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर. मतलब कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो कि मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो स्टेमेन है, सेकंड ऑप्शन है पिस्टिल, थर्ड ऑप्शन है मेगास्पोरेंजियम, फोर्थ है पॉलिनेशन. अगर हम ऑप्शन डिलीटिंग मेथड के थ्रू भी करते हैं तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस नहीं होगा. मेगास्पोरेंजियम फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है, पिस्टिल भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की यूनिट है, तो बचा क्या स्टेमेन, और स्टेमेन ही हमारा क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. सेकेंड बी ऑप्शन पर, बी क्वेश्चन देखें यहाँ पर. सो इन ह्यूमन सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड बाई, मतलब ह्यूमन्स में जो बेबी का सेक्स है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या हम इसे, फर्स्ट ऑप्शन सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, बिल्कुल नहीं, मदर का सेक्स क्रोमोसोम XX होता है, वो नहीं होगा. देन साइज ऑफ ओम, कोई बात ही नहीं बनती साइज ऑफ ओम की, साइज ऑफ स्पर्म कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इनका. देन है सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर, एग्जैक्टली, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, क्योंकि फादर का सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई, और वाई ही उनके पास डिफरेंट है, तो वाई जिसके पास जाएगा, इट मीन्स जिससे फ्यूज होगा, तो वो मेल बनाएगा, सन होगा, और अगर एक्स जाएगा तो वो डॉटर फॉर्म होगी उससे. तो कहीं ना कहीं जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, मेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है, फादर रिस्पॉन्सिबल होता है. देन क्वेश्चन नंबर सी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन मेडिसिन, यस एग्जैक्टली, इन एग्रीकल्चर, यस, सो इन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, यस, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड, हमें नॉन ऑफ दिस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं यहाँ पर, लाइकेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन, इन फैक्ट इट शोज सिम्बियोटिक रिलेशन बिटवीन. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि सिम्बियोटिक रिलेशन लाइकेन्स का जो होता है वो किन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, बट उन्होंने आपको कहा नहीं बताई कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइकेन्स, तो ये सब कहानी पर नहीं जाना हमको. इकोलॉजिकल सक्सेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे रॉक फील्ड है हमारे पास, उस रॉक में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस होंगे वो लाइकेन्स होंगे, देन उसके बाद उसमें हम बोलते हैं कि वहाँ पर एल्गी आएंगे, देन ब्रायोफाइट आएंगे, टेरिडोफाइट्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स आएंगे, देन एक फॉरेस्ट मतलब ट्री फॉर्म होंगे कहीं ना कहीं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंड देन वहाँ पर फॉरेस्ट फॉर्म होगा, तो इसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं. और लाइकेन्स के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की बात करें तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड है, एल्गी और फंजाई, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक है. नेक्स्ट, इस तरीके से 4 हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए जो हमारे एमसीक्यू थे. अब आते हैं हम लोग सेकंड पेज पर, और वो है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट्स हैं 1-1 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन्हें हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द नंबर इन क्लेनेफिल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम. देखिए बहुत ईजी है, इन्होंने सिर्फ नंबर्स पूछे, तो वहाँ आप उनके फीचर्स मत बताने लगिएगा, नंबर पूछे नंबर बताइए. आपने लिखा क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम, और आपको पता है क्लेनेफिल्टर में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 47. हाँ, थोड़ा और लिखना चाहते हो तो बता दो भाई, सेक्स क्रोमोसोम में क्रोमोसोम बढ़ जाता है, लाइक XX होने चाहिए, एक और बढ़ गया Y हो गया, तो हमने क्या बोला XXY, ये हमारा वहाँ पर 47 क्रोमोसोम्स को फॉर्म करेगा. नेक्स्ट, उसके बाद अगला मैं बताऊँ तो पूछा है टर्नर सिंड्रोम, तो इसमें आप क्या बताओगे, लिखा टर्नर सिंड्रोम, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 46 में एक कम हो जाता है, 45, मतलब सेक्स क्रोमोसोम में एक्स और जीरो, ठीक है, मतलब एक क्रोमोसोम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उसे हमने टर्नर सिंड्रोम बोला. नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, बी है यहाँ पर, बाई विच डिवीजन डू मेल जर्मिनल सेल्स फॉर्म स्पर्म. भाई स्पर्म को फॉर्म करने के लिए मेल जर्मिनल सेल में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, ठीक है. देन उसके बाद है सी क्वेश्चन है, देखिए अब ऐसे हम लोग वहाँ पे बोलते हैं कि मेल जर्म सेल में कौन सा डिवीज़न होगा, फिर कैसे क्या फॉर्म होगा, तो वो प्रोसेस नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे,
हमें पता है स्पर्म फॉर्म करने के लिए हमें मियोसिस कराना है, तो बस तो मियोसिस हो गया। यहाँ पे सी है, यहाँ पर व्हाट इज़ द नंबर ऑफ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे पूछा उसने। तो स्पर्म्स कैसे बने थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। सी है यहाँ पर व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पॉलन ग्रेन मदर सेल। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्रोमोसोम नंबर पूछे पॉलन ग्रेन मदर सेल में कैसे होते हैं, कितने होते हैं। तो हम बहुत अच्छे जानते हैं डिप्लॉइड होता है ना, डिप्लॉइड सेल होती है ये। और डिप्लॉइड सेल के साथ साथ हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, 2n नंबर डिप्लॉइड नंबर है। अब क्योंकि 2n है तभी तो इसमें मियोसिस होगा और इनसे n बनेगा, ठीक है, 4 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो इस तरीके से सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन का भी हमने समझ लिया आंसर। डी है राइट द नेम ऑफ एंजाइम विच ब्रेक द डीएनए इन स्मॉल साइज, मतलब कौन सा एंजाइम हम यूज़ करते हैं एंजाइम्स डीएनए को स्मॉल सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करता है। हम सब जानते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस जो हमारा एंजाइम है, हाँ इस टाइम पे देखिए नोटिफिकेशन ज़रूर आएंगे, तो वो जो हमारा एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम, वो हमारा हेल्प करता है डीएनए को ब्रेक डाउन करने में या स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई है 2 का, और ये देखिए एक चीज़ और आ गया। हाँ तो यहाँ पर ई है व्हाट आर प्लांट्स कॉल्ड ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। देखिए मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को जैसे अगर हम लोग समझे कि जो हमारा प्लांट है उसमें इन्होंने पूछा है कि जो प्लांट्स हैं क्योंकि वो जो हमारा एटमॉस्फेयर में CO2 है एक तरीके से, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फिक्स करते हैं ना हमारी CO2 को, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर वो फिक्स कर रहे हैं तो। सो इट्स सिंपल, अगर मैं बोलूं कि ऑर्गेनिज्म जो कि CO2 को फिक्स करते हैं कहीं ना कहीं, उन्हें हम ऑटोट्रोपस बोलते हैं या फोटो ऑटोट्रोपस बोलते हैं, मतलब एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू उसे फिक्स कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देन है नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर बात करें तो 3 जो आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, वो सेगमेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है डिफाइन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। याद होगा मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स में जो सेक्स के डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, देखिए पहले ह्यूमन्स में बहुत ज़्यादा आता था कि सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है वो ह्यूमन्स में कैसे होता है, बट मैंने आपको कहा कि अब का जो टाइम है वो बर्ड्स में यानी बी में भी पूछते हैं। तो बर्ड्स में मैंने बोला था जो फीमेल होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए, हमारे ह्यूमन्स के जैसा नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था जेड और जेड जो है वो मेल का होगा रिप्रेजेंटेशन, और जेड और डब्लू ये फीमेल का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इसी में आप एज अ क्रॉस वाइज वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बी ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल प्रपोज बाई वॉटसन एंड क्रिक। याद ही होगा आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताए थे आपको डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए से, वो सब आप एक अच्छा सा डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ लेबल डायग्राम बनाने के लिए बोला है, कोई एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं बोला, तो आप कोशिश करो कि आप पूरा एक पेज यूज़ करो, एक पेज लग जाएगा आपको, अच्छे से इसे एक्सप्लेन करो। ये मत देखो कि 2 लाइन का 2 मार्क्स का है ना, 2 लाइन में बना के डीएनए छोड़ दो, भाई गलती मत करना इस तरह की, प्रॉपर पूरा एक पेज यूज़ करो और पूरा बहुत अच्छा सा डायग्राम डीएनए के डबल हेलिक्स का वहाँ पे रिप्रेजेंट करो, लेबल डायग्राम बनाओ, और सिर्फ डायग्राम ही बनाना है, वहाँ ज्ञान मत दिखाओ कि आपको बहुत आता है डीएनए के बारे में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेबल डायग्राम। देन है सी क्वेश्चन है, और देखिए एक ना एक डायग्राम आता ही है, 2 मार्क्स में एक डायग्राम रहेगा, सिर्फ डायग्राम रहेगा, तो ये नहीं आता आपके पेपर में, कुछ और आता है तो आप वो बनाओ बस। देन है व्हाट इज़ इम्यूनिटी, भाई आप सबको इम्यूनिटी की डिफिनीशन आती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे हम इम्यूनिटी किसे बोलते हैं कि भाई जो हमारे बॉडी में डिजीज़ से फाइट करने की कैपेसिटी है कहीं ना कहीं होस्ट के पास, या जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसके रिलेटेड जो हमारे पास इम्यून सिस्टम है उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, क्लियर। सो अच्छी सी एक डिफिनेशन बताओ और ख़त्म करो। देन है डी है एन ऑर्किड प्लांट इज ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू। तो देखो आप बताओ कि मैंगो ट्री है और ये कहीं ना कहीं मैंने एपीफाइट प्लांट बोलते हैं, और इनके बीच में जो एसोसिएशन है कैसे, ये देखिए ऑर्किड का प्लांट खुद ही फोटोसिंथेसिस करता है आपको पता है, ठीक है, तो वो एज अ शेल्टर उसे यूज़ कर रहा है, और जो मैंगो का प्लांट है उसे क्या बेनिफिट होता है, तो हम जानते कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है उसे कहीं ना कहीं,
तो उनके बीच में पॉजिटिव और जीरो है ना, न्यूट्रल का इंट्रैक्शन है, तो वो इंट्रैक्शन यहाँ पे आप बताओ। देन अगला देखते हैं, ये है यहाँ पर ड्रॉ क्लीन लीनियर डायग्राम ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो जो हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है उसका इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपसे बोला है लीनियर डायग्राम फॉर्म करने को। तो यहाँ पर हम लोग एज अ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है रिस्पॉन्स का, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का, मतलब कि नेचुरली हमारी बॉडी जो कुछ ड्रग्स है या ये बोल सकते हैं कि जो WBCs फॉर्म हो रही है हमारी बॉडी में, एक तरीके से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स फॉर्म करती हैं इन चीज़ों को सप्रेस करने के लिए। तो उस तरीके से आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करके, या इन्होंने बोला है लीनियर डायग्राम, तो आप उसे फॉर्म करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन में। और नेक्स्ट देखें अगर हम लोग यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमने ये सेक्शन भी फिनिश कर लिया है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ सेक्शन में, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है सेकेंड। ठीक है, फोर्थ में इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ए बी सी डी फोर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 मार्क्स के रहेंगे। वो पूछा इन्होंने हमसे राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगा स्पोरेंजिया। भाई इससे इजी क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया मेगा मेगा स्पोरेंजिया जो हमारा फ्लावर होता है वो उन्होंने पूछा है कि हाँ उसमें क्या चीज़ें होती हैं जो हम लोग बोलें कि मतलब एक पॉलन ग्रेन को फॉर्म करता है, दूसरा हमारा होता है जो कि एम्ब्रियो सैक को फॉर्म करता है, फिर कैसे डिवीज़न होता है, एक फंक्शनल मेगा स्पोर फॉर्म होती है उससे एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है, यहाँ पर 4 हमारे माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, फंक्शनल होते हैं 4 माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स, तो उनमें क्या डिफरेंस है, एक तरीके से आप उसे डिफाइन कर सकते हो प्रोसेस वाइज। तो अच्छे खासे पूरे एक पेज में आप इनका डिफरेंसेस लिखोगे। देन है क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं, इन अवर सोसाइटी व्हेन गर्ल्स आर बॉर्न ओनली वुमेन्स आर ब्लेम्ड, डिफाइन व्हाई इट इज नॉट करेक्ट। मुझसे अच्छा आप बता सकते हो है ना कि क्यों ब्लेम किया जाता है मदर को, और ये सही क्यों नहीं है। अभी अभी हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ जो फादर वाला क्वेश्चन था MCQ में भी किया था, तो ये तो मुझसे अच्छा आप बता सकते हो कि क्यों वुमेन्स को ब्लेम किया जाता है और ये सही क्यों नहीं है। ठीक है, मुझसे एक पूरा ऐसे लिख देंगे मेरे बच्चे, मुझे पता है। देन डिफाइन मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। भाई बताइए अच्छे से उनको कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, और साथ में आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बनाना है। अब आप वहाँ पे जो टॉल हैं डॉर्फ हैं उनका क्या एग्जांपल आप लेके बताते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बट क्रॉस भी बनाना है उन्हें, आप पूरा प्रॉपर रेशियो भी बताओ फेनोटिपिक जीनोटिपिक, और देन उनको मेंडल्स लॉ भी बताओ। तो मेंडल्स लॉ की डेफिनेशन अच्छी सी, फिर उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना के दिखाओ पूरी चीज़ें। देन डी है क्वेश्चन, वो है विच फीचर ऑफ DNA हेलिक्स हेल्प वॉटसन एंड क्रिक टू प्रपोज सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस ऑफ DNA रेप्लिकेशन डिफाइन। तो देखिए जो वॉटसन एंड क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि दो ओल्ड DNA और 2 न्यू DNA फॉर्म होता है, तो मतलब दो ओल्ड DNA जब सेपरेट होते हैं देन उन्हीं से न्यू DNA फॉर्म होगा जो न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, तो होल जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो आपने पढ़ी हुई है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सब चीज़ें बताना, वहाँ पर रेप्लिकेशन क्या होता है ये चीज़ें बताना, वॉटसन एंड क्रिक ने जो सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है वो बताना। तो इस तरीके से आपका ये 3 मार्क्स और 3 हेडिंग्स इवन हो जाएंगे, प्रॉपरली कर पाओगे आप लोग। ठीक है, आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, 5th क्वेश्चन है यहाँ पर 3 मार्क्स का। ए है ड्रॉ क्लीन एंड लेबल डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। अब देखें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइकिल मलेरिया पैरासाइट की बोली है, कोई वहाँ पर ज्ञान मत दिखाइए कि मलेरिया क्या है या कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ क्लीन एंड लेबल डायग्राम आप बनाइए। बहुत अच्छा सा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल का डायग्राम आपकी बुक में है NCERT में, उसे आप यहाँ पर फॉर्म करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। बी क्वेश्चन, हाउ बायोलॉजिकल स्टडीज हेल्प अस टू कंट्रोल इन्फेक्शस डिजीज। भाई बायोलॉजिकल स्टडी की बायोलॉजी पढ़ते हो, बहुत अच्छा सा इसे लिख सकते हो आप लोग कि हमें कैसे हेल्प करता है बायोलॉजी इन्फेक्शस डिजीज से सेफ रहने में। अभी COVID-19 हम सब ने झेला है, हम सबको पता है भाई मास्क लगाओ, हाथ धुलो, सैनिटाइज
सैनिटाइज करो, है ना, सारी लॉजिक्स वहाँ पे बता दो आप और कैसे हेल्प कर रहा वो भी। देन हाउ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में सॉइल की फर्टिलिटी को। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जब हम बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं सो बायोलॉजिकल जो फर्टिलाइज़र हैं वो उसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी हम लोग प्लांट रेजिड्यू हैं कहीं ना कहीं या जो दूसरी चीज़ें हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म तो भी बोल सकते हैं एक तरीके से हम लोग। तो यहाँ पर जो भी हम लोग रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं प्लांट रेजिड्यू को, एनिमल रेजिड्यू को, वो सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन डी क्वेश्चन है व्हाट आर बकेलो वायरस। तो मैंने आपको बताया है कि आप क्या है बकेलो वायरस वो बताइए, इन्हें पैथोजेंस के फॉर्म में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं इंसेक्टीसाइड के फॉर्म में, इनका वो प्रॉपर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रहा है बट फिर भी करते हैं इसे कंप्लीट, और इसीलिए मैं बोल रहा था ना मैं एक्सक्यूज हो जाएगा वो अगर कुछ बताता हूँ तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो एज ए इंसेक्टीसाइड, हम इसे कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे ये हमें एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहे हैं, है ना, ऑर्थ्रोपोड्स को मारने में या दूसरे इंसेक्ट्स को मारने में। तो इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये है क्या और ये कैसे हेल्प कर रहे हैं हमारी एग्रीकल्चर्स में, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 भी 3 मार्क्स के हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन डील करने हैं और प्रॉपर आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो। मैं यही बोलता हूँ आप लोगों को, टाइम मैनेजमेंट कर ले गया ना तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि आता सब है और बस उसे आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, कैसे टाइम सेट कर रहे हो, वो आप पर डिपेंड करेगा। मेरी खुद की स्पीड भी बहुत स्लो है इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मुझे ये पेपर दिया जाए तो मैं 3 आवर्स में बहुत अच्छा कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे हो, आप सब कर पाओगे। सो नेक्स्ट है राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अब से शॉर्ट नोट्स यहाँ पे पूछे गए हैं तो PCR पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का आप डायग्राम भी बना सकते हो और उसे डिटेल्स भी उनके 3 स्टेप बता सकते हो, तो ज़रूर करना। रिस्ट्रक्चर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आप डिटेल्स बता सकते हो बहुत अच्छे से, तो DNA को सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देन बी है यहाँ पर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है, प्रॉपर हम BT कॉटन या जो भी चीज़ें फॉर्म करते हैं BT क्रॉप वो यहाँ पे बता सकते हो। फ्लावर्स एवल टोमेटो का एग्जाम्पल है, गोल्डन राइस का एग्जाम्पल है, बहुत चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल वाइज बताओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ट्रांसजेनिक एनिमल। भाई बहुत कुछ अंडरस्टैंड करते हो आप लोग ट्रांसजेनिक एनिमल से, जिनमें हम कुछ मैनिपुलेट करते हैं कुछ जीन्स को, DNA को, वो हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। गिव एनी वन एग्जाम्पल, भाई आप तो माइस का एग्जाम्पल, अपना रैट का एग्जाम्पल दे सकते हो, या ट्रांसजेनिक जो हमारी काउ थी रोजी काउ उसका एग्जाम्पल है, हमने कैसे मिल्क की क्वालिटी इसको अच्छा किया था, तो बहुत से एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ ताकि बहुत टाइम आपका ना लगे इस वीडियो में। देन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। हाइबरनेशन एस्टिवेशन पता है आपको, हाइबरनेशन का मतलब जो कोल्ड स्लीप शो करते हैं, और एस्टिवेशन जो समर स्लीप, विंटर स्लीप और समर स्लीप, और भी बहुत सारे मैंने इसमें डिफरेंस आपको बताए, तो आप वो यूज़ करोगे। एक्टोथर्मिक एंडोथर्मिक भी मैंने आपको बताया, इनके बीच में भी डिफरेंस मैंने आपको इकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें कहीं ना कहीं जो भी आपके सारे यूजेज हैं इनके वो मैंने आपको डिफाइन किए हैं, तो आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देन आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ से हम लोग लॉन्ग आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो पूछा गया है डिस्क्राइब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लेबर डायग्राम एंड वेयर डू स्पर्म स्टोर इन द सिस्टम। अब देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और आप लोग इसे हेडिंग वाइज, ठीक है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर देखिए आपको लेबर डायग्राम भी बनाना है, डिफाइन भी करना है, क्योंकि देखिए पहले लिखा है डिस्क्राइब करना है एंड देन लेबल हेल्प लेनी है आपको लेबर डायग्राम की, तो दोनों चीज़ें आपको करनी है, तो ये ध्यान दीजिए। देन स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं वो भी आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि कहाँ से हम इसे रेस्टिब्यूल में बना रहे हैं, पेराडमस में मैच्योर कर रहे हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ डिफाइन करनी है। देन है डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट विद द हेल्प ऑफ लेबर डायग्राम। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आ गया, तो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट यूनिट में
जो हमारा लॉन्ग आंसर रहता है वो आपको मिल जाएगा है ना रिप्रोडक्शन में, या तो वो ह्यूमन के मेल फीमेल में पूछेंगे या फिर वो आपसे माइक्रोस्पोरोजेंसिस या मेगास्पोरोजेंसिस में कुछ पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हाट इज जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड डिफाइन करो उनको क्या है और उसके मेन कैरेक्टर्स। तो मेन कैरेक्टर्स एक पेज यूज़ कर सकते हो पूरी तरीके से, दो पेज आई थिंक लग जाएंगे आपको मेन कैरेक्टर्स डिफाइन करने में कि वो कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, क्या है, मतलब बहुत से पॉइंट 5 to 6 पॉइंट बताओगे और जेनेटिक कोड क्या है उसे पूरा डिफाइन करने में एक पेज यूज़ कर लो आप, तो अच्छे से आपके 3 पेजेस में हो जाएंगे ये लॉन्ग आंसर। देन है व्हाट इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का जो लॉ है सेग्रीगेशन का वो यहाँ पर डिफाइन करो और आपको चक्कर बोर्ड भी बनाना है। एंड देन इसे हम क्यों लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं, सारी चीज़ें बताई हैं तो आप ये भी कर सकते हो और में, तो ये करते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला क्रॉस बनाते हो और डिफाइन करते हो ना, तो ये भी आपका 3 पेज ऑलमोस्ट ले लेगा, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देन है 9, व्हाट इज़ अडॉप्टेशन, मैंने बोला भी था कि अडॉप्टेशन जैसे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हैं एंड यहाँ पर आपको एग्जांपल की हेल्प से इसे डिफाइन करना है। ठीक है, तो आप हाइड्रोफाइट प्लांट, ज़ीरोफाइट प्लांट या एनिमल्स में उनको डिफाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो। देन व्हाट आर द मेन रीज़न ऑफ रेस डैमेज, मतलब स्पीसीज डिग्रेडेशन इन एनी जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जो जियोग्राफिकल एरिया है वहाँ पर स्पीसीज क्यों ख़त्म हो रही हैं, क्या है जो डैमेज कॉज करता है। तो देखिए, मैंने आपको हैबिटेट लॉस और एलाइन इन्वेजन या एलियन इन्वेजन जैसे आपको 4 to 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे लास्ट के जो हमारे चैप्टर में था, ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक और यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि क्यों डैमेज हो रहे हैं हमारे जियोग्राफिकल एरियाज में कोई स्पीसीज है ना, तो वहाँ पर कोई एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जैसे पॉइंट्स पढ़े हम लोगों ने, उन्हें आप यहाँ पर स्टेप वाइज डिफाइन कर दो। ठीक है, तो आई थिंक ये था 9 क्वेश्चन हमने कम्प्लीटली फिनिश किए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सोचे अरे वाह क्वेश्चन पेपर आ गया, सोचने ये मॉडल पेपर है, पहले भी शेयर किया हुआ है, बस यहाँ पे सोल्यूशन शेयर किया मैंने, कैसे लिखना है, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज आप लोगों ने पहले से मेक की होंगी, जो स्ट्रैटेजी आपने मेक की है उसको फॉलो करिएगा एंड देन इन लास्ट ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा और अच्छा करिएगा। थैंक यू।